हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम कहीं घूमने जा रहे हैं और मैं आई हूँ ठियोग अपने मामू के घर। और मतलब हम काफ़ी टाइम से प्लान बना रहे थे घूमने जाने का। हम घूमने जा रहे हैं हट्टू। तो हम काफ़ी टाइम से प्लान बना रहे थे और फाइनली आज जाके वो दिन आया है। तो हम जा रहे हैं, अभी मैं मामू का वेट ही कर रही हूँ, अपने आने वाले हैं वो, फिर हम निकलते हैं यहाँ से। और आज मैं आपको ले जा रही हूँ हट्टू। और मैंने सुना है और देखा भी है, मैं जा तो फर्स्ट टाइम रही हूँ और सुना मैंने बहुत है कि काफ़ी अच्छा रास्ता है, काफ़ी अच्छा व्यू है और मंदिर बहुत सुंदर है वहाँ पर। तो मैं आज आपको भी दिखाती हूँ, चलो फिर चलते हैं। ये है नूब, शक्ल दिखाओ अपनी। वो तो नुआ जाने थे पापा। और ये मामू और ये मामी, हेलो बोल दो। हेलो। निकले अभी ठियोग से और दिखाती हूँ आपको आज का व्यू। ये मामी है मेरे इनको मैंने यही से बाहर खींच रहा डिक्की से है क्या कैसे अच्छे आए हो सुंदर। अब मेरे सब्सक्राइबर्स बताएंगे मेरे मामी सुंदर हैं या नहीं। मैं तो नहीं हूँ पर मेरे मामी बहुत सुंदर हैं। हाँ, मामू भी सुंदर है पर मामू बीमार है थोड़े, उनकी तबीयत खराब हो रही है। और ये है नूब, पबजी प्लेयर को पता होगा नूब क्या होते हैं। मैं अभी हम रुके हैं गाड़ी धोने, ये धो रहा है गाड़ी। वहाँ पे पेड़ बहुत सुंदर है, मैं ऐसी जगह पे रुके हैं ना जहाँ से कुछ नहीं दिख रहा हमने, सामने बस पेड़ ही पेड़ है। अभी हम पहुँचने वाले हैं नारकंडा और नारकंडा है यहाँ से 3 किलोमीटर और उसके बाद रोड लेंगे हम हट्टू को। नारकंडा, ये नारकंडा की मार्केट। ये गया हट्टू और ताना जुब्बड़ वाला रास्ता। यहाँ सामने से देखो दो रास्ते जा रहे हैं और जो ऊपर वाला रास्ता गया वो हट्टू जाता है और नीचे वाला रास्ता जाता है ताना जुब्बड़। तो पहले हम हट्टू जाएंगे। और यहाँ का जो व्यू है ना यार, मतलब सीरियसली इतना सुंदर है ना, इतना मतलब हर चीज़ जहाँ पे भी नज़र जाए ना, जैसे ये पहाड़ी देखो कितनी सुंदर लग रही है बर्फ़ से ढकी ढकी सी,
और पेड़, पानी, मतलब ठहरा हुआ पानी भी इतना सुंदर लग रहा है ना, जैसे कि यहाँ पर है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। और पहाड़ियाँ तो ऐसे ढकी है ना बर्फ़ से, आप मतलब कितना प्यारा लग रहा है, खुद ही आप देख लो कितना सुंदर। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कुछ बोलने के लिए, इतना प्यारा और इतना सुंदर लग रहा है सब कुछ। फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर, वो पीछे दिख रहा है मंदिर, अब हम ऊपर जा रहे हैं। यार यहाँ का तो व्यू ही इतना सुंदर है ना, इतनी हाइट पे है ये मंदिर। मंदिर का मेन गेट है और यहाँ से मतलब आप एंटर होते हो अंदर, और फ्रंट साइड का एरिया है ये मंदिर का जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारा फ्रंट साइड है। और ये सामने मंदिर है और कुछ पार्ट इसके आगे भी होगा शायद, वो हम आगे जाके देखते हैं। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं मंदिर, इतना सुंदर व्यू है ना यहाँ पर यार। और यहाँ से ना पार वाली साइड को अभी दिखाऊंगी आपको, वहाँ पे ना पहाड़ियों पर बर्फ पड़ी है, मुझे नहीं पता ये कौन सा एरिया है, कौन सी जगह है, आई थिंक किन्नौर साइड का एरिया लग रहा है ये। और इतना सुंदर लग रहा है ना यहाँ पर, मैं ना थोड़ी देर में पागल भी हो सकती हूँ देख के, क्योंकि इतनी हाइट पे मैं एक बार चोटधार गई थी और उसके बाद यहाँ पर आई हूँ सेकेंड टाइम ऐसी किसी हाइट वाली जगह पर, और इतनी सुंदर, इतनी प्यारी जगह है ना। आई होप जैसा यहाँ पर व्यू है, जैसी लोकेशन है ना, मैं शूट भी वैसा ही कर पाऊँ। तो चलो अभी मंदिर चलते हैं, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। अब मंदिर का ये भी नहीं पता यहाँ पर शूट करने देंगे या नहीं करने देंगे, बट फिर भी जाके देखते हैं। मेरे मामू का एक्सीडेंट हुआ था और अभी ये थोड़े से रिकवर हुए हैं, होप सो ये जल्दी रिकवर हो जाए, और हम इनको भी लेके आए हैं मंदिर। काफी क्राउड है यहाँ पे, शायद नवरात्रे हैं इस वजह से हो सकता है। अब सबसे पहले करते हैं दर्शन माता रानी के और उसके बाद बाकी काम करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी रश है, नवरात्रे चले हैं और काफ़ी रश है यहाँ पर, और लंबी लंबी लाइंस थी जब हम पहुँचे यहाँ पे, तो अभी थोड़ा कम हो गया है। तो अभी दर्शन करते हैं, उसके बाद मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ, कितना सुंदर मंदिर बना है यहाँ पर। दर्शन तो हमारे हो गए हैं, अब मैं थोड़ा कुछ आपको मंदिर के बारे में बताती हूँ जितना मैंने सर्च किया या जितना मुझे पता चला। तो कहा जाता है कि यहाँ पर द्वापर युग में पांडवों ने पूजा अर्चना की थी, वो मतलब एक हफ्ते तक यहाँ पर रुके थे इस जगह पे, और जब वो यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ पर द्रौपदी माता की समाधि बनी थी, मतलब उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया गया था। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सिर्फ एक माता का पिंडी रूप था और कुछ झाड़ियाँ थी। फिर जैसे ही लोगों का आना जाना यहाँ पर शुरू हुआ, यहाँ पर एक कमेटी बनी, लोगों का आना जाना शुरू हुआ, पूजा अर्चना शुरू हुई, उसके बाद एक कमेटी बनी और फिर मंदिर का निर्माण हुआ यहाँ पर, फिर मंदिर बनाया गया। और जो ये मंदिर है ये 5,500 साल पुराना मंदिर है, और इतना सुंदर ये मंदिर बनाया ना, मैं आपको थोड़ा नज़दीक से भी दिखाऊँगी। और जो ये मंदिर बनाया गया है, यहाँ पर लोकल मिस्त्री थे और कुछ किन्नौर साइड के लोग होंगे जिनके द्वारा ये मंदिर बनाया गया था, कोई मशीन का यूज़ नहीं हुआ इस मंदिर को बनाने में। तो मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ मंदिर कितना प्यारा बना है।
ये मंदिर का फ्रंट एरिया है, यहाँ पर माता रानी की मूर्ति है। आज तो काफ़ी रश था इसलिए मैं नहीं दिखा पाई, और सामने से ऐसा दिखता है। और ये साइड वाला एरिया है और लकड़ी का ही सारा काम हुआ है, और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाया है इस मंदिर का, बहुत ही प्यारा लगता है। और चारों साइड का डिज़ाइन सेम है और बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही बारीकी से इस मंदिर को बनाया गया है। आप देख सकते हो कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है, मतलब ना एक शांति सी एक फील, इतना प्यारा फील आता है ना यहाँ पर जाकर, मन खुश हो गया। सीरियसली मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था यहाँ से वापस आने का। आप देख सकते हो कितना प्यारा बना है ये मंदिर, मतलब हर एक चीज़ इतनी बारीकी से बनाई गई है ना। अगर किसी को कुछ और पता है इस मंदिर के बारे में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं भी और जानना चाहती हूँ यहाँ पर क्या क्या है और क्या क्या खासियत है इस मंदिर की। आगे मैं इतना मोटा कोट पहन के क्यों आई, क्योंकि जब हम सुबह आए थे ना तो बहुत ज़्यादा ठंड थी यहाँ पर ठियोग में, और आते आते रास्ते में बहुत ठंड लग रही थी। तो अभी हम वहाँ आगे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से ना वो पहाड़ियाँ दिखती है बर्फ वाली, तो वो मैं दिखाती हूँ आपको। ऐसे मामू वगैरह तो चले गए, हम फटाफट जाते हैं और वहाँ से शूट करके फिर वापस आ जाते हैं। चलो हमारे को लगा हम वापिस जा रहे हैं, पर ये आ गया और हम इसके साथ जा रहे हैं पहाड़ी देखने बर्फ वाली। ये दिखाएगा हमारे को भी और आपको भी दिखाएगा। क्या है किन्नर की लाश? मेरे को लगा वो किन्नौर है, किन्नौर साइड का एरिया। चल जो भी है हमारे को तो दिख गया। अरे यहाँ पे इतना सुंदर क्यों है, क्यों है इतना सुंदर एरिया यहाँ पर? हाँ मंदिर तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखो एरिया यहाँ पर कितना सुंदर है, कहाँ से जाएंगे यार। वाह यार कितना सुंदर है, वाह। यहाँ से दिख रही है पहाड़ियाँ पूरी वाइट, सबसे टॉप वाली कहाँ, और ऊपर चलें। चलो छोटे छोटे दिख रहे हैं यार, और कितना सुंदर लग रहा है ये देखो। और यहाँ के लोगों के कितने मजे होते होंगे ना, वाह। चलो ऊपर चलते हैं, दिख रही है उधर को दिखाओ। मेरे फोन में 10x है। वाह वाह, हमारे को फोटो खींचने ले जा रहा है कहीं, चलते हैं इसके साथ। सीरियसली बहुत सुंदर जगह है। हैं हाँ, पत्थर के पास, हाँ थोड़ा पीछे है ना वो। यहाँ से नीचे
अगर कोई गिर जाए तो उफ, कुछ भी नहीं है नीचे ना। वाह, जब बर्फ पड़ती होगी ना यहाँ पे, पहली बार तो आना मुश्किल हो जाता होगा। गाड़ी आती है, आती है। ओ यार, और ये पेड़ तो वाइट हो जाते होंगे बर्फ में ना। ट्रिप अब ख़त्म, क्योंकि हम थोड़े जल्दी में आए थे और हमें अब वापस जाना है, और इसके बाद हम जाएंगे ताना जुब्बर। तो आई होप आपको यहाँ की जो मेरी वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। अब हम जा रहे हैं ताना जुब्बर, वहाँ पे दिखाऊंगी मैं आपको वहाँ पर क्या है। तो चलो फिर चलते हैं सीधे, डायरेक्ट ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी मैं।